अजमेर प्रीमियर लीग जिसकी आज दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का उद्देश्य यह है कि जो अजमेर के अंदर जिन टीमों की नीलामी होने वाली है एपीएल की, वो परसों 7 तारीख को 7 मई को 3:30 बजे होटल दाता इन में रखी गई है। जो भी मालिक टीम खरीदने के इच्छुक हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिनको कराना है वो करवा सकते हैं, जो हमारा फेसबुक पे और जो भी हमने कॉन्टैक्ट डिटेल डाल रखी है उसके ऊपर वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर वो टीम लेना चाहते हैं तो टीम लेने का 3:30 बजे होटल दाता इन उनको पहुँचना होगा, वहाँ पर टीमों की नीलामी रखी गई है। अजमेर ज़िलों को 8 हिस्सों में बांटा जाएगा, जिसके अंदर आप रामगंज, चंदौरदाई, शास्त्री नगर, आदेश नगर और इन इन टीमों के अकॉर्डिंग टीमों के नाम बनेंगे। जैसे चंदौरदाई है तो चंदौरदाई सुपर किंग्स, रामगंज है तो रामगंज रॉयल्स, किशनगढ़ है तो किशनगढ़ स्मैशर्स, अपने आदेश नगर है तो किंग्स इलेवन आदेश नगर, इस अकॉर्डिंग टीमों को बांटा गया है जैसा कि आईपीएल में बांटा जाता है। इसका उद्देश्य, इन टीमों को बांटने का उद्देश्य ये है हमारा कि जो जिस तरह आईपीएल के अंदर राजस्थान, चेन्नई और हैदराबाद की टीमें बढ़ती हैं, बेंगलोर वगैरह की टीमें, उसी अकॉर्डिंग अपन अजमेर ज़िले को भी उसी तरह से बांट के 8 हिस्सों में डिवाइड करना चाह रहे हैं, जिससे वहाँ के जो पब्लिक है वो पूरी उस मैच को देखने के लिए पहुँचे और एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर इसका क्रेज बढ़े और जो प्लेयर है वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे कि मैंने अपनी जगह के लिए परफॉर्मेंस किया है। तो इससे टीमों का मोटिवेशन बढ़ेगा। प्रतियोगिता पूरी लीग कम नॉकआउट आधार पर खेली जाएगी और 7 जून इसकी डेट अभी तक फाइनल हो चुकी है लगभग। इसका अगला जो एक दो डेट ऊपर नीचे हो सकती है ईद के अकॉर्डिंग, ईद के अगले दिन से ये प्रतियोगिता शुरू कर दी जाएगी। पर जी अभी तक 150 खिलाड़ी अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, जैसा कि नेशनल स्पोर्ट्स पे हमने हमारा फॉर्म रखवा रखे हैं, अपने रूट से अकेडमी पर रखवा रखे हैं, आदेश नगर के अंदर बेलेक्राफ्ट पे फॉर्म रखवा रखे हैं, वहाँ से प्लेयर्स अपने अपने फॉर्म कलेक्ट कर रहे हैं और रेगुलरली जमा कराते जा रहे हैं, और ब्यावर के अंदर भी फॉर्म रखवाए हैं, वहाँ से भी फॉर्म कलेक्ट हो रहे हैं और लगभग 150 खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुका है जो हमारे पास आ चुका है। और अभी इस प्रतियोगिता के खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 9 मई रखी गई है, 9 मई तक खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन हम लेंगे, उसके बाद इस खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन हम बंद कर देंगे। नीलामी के बाद में इसके बाद में क्या रहेगा? नीलामी के बाद में इसका जो अगला प्रोसेस है 11 तारीख को, जैसे 7 तारीख को टीमों की नीलामी हो जाएगी, 11 तारीख को टीमों के कप्तान की नीलामी है। ये कितना अमाउंट क्या है रजिस्ट्रेशन? टीमों के जो कप्तान है वो 11 तारीख को नीलाम होंगे। इसके अंदर एक फ्रेंचाइजी जो टीम लेगा उसका 30,000 रुपये प्राइस रखा गया है, उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ से प्राइस टीम को परचेस करेगा और वही अपने खिलाड़ियों को जो परचेस करेगा, जो खिलाड़ियों की अपनी जो बेस प्राइस सेट किया गया है, हर खिलाड़ी 3 कैटेगरी में खिलाड़ियों को बांटा गया है, इसके अंदर 500, 1000 और 2000 के अंदर, इसके अकॉर्डिंग जो खिलाड़ी जिस स्तर का खेला हुआ है उसको उस अकॉर्डिंग बांटा जाएगा अजमेर के सर्टिफाइड कोचों द्वारा, वो अपने खिलाड़ियों को बांटेंगे। उसके बाद जो ऑनर है वो अपने इच्छा के अकॉर्डिंग उन प्लेयर्स को अपनी टीम में लेगा। इस प्रतियोगिता में एक खास बात यह है कि 16 खिलाड़ी जो एक टीम में होंगे उसके अंदर हर टीम में अंडर 14 का 2 प्लेयर होना कंपलसरी है और 40 प्लस के 2 प्लेयर होना कंपलसरी है। ये इसलिए रखा गया है कि इससे हर एज कैटेगरी के खिलाड़ी इस टूर्नामेंट को खेलें, इस प्रतियोगिता को खेलें। क्या उद्देश्य है मैच कराने का? उद्देश्य यही है, जिस तरह से आईपीएल का जो फॉर्मेट चल रहा है खिलाड़ियों के अंदर जुनून आता है, आगे बढ़ने की ट्राई करते हैं, आईपीएल खेलने वाले प्लेयर का सिलेक्शन आईपीएल के थ्रू इंडिया टीम में होता है, उसी तरह से यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं, प्रतियोगिता करवाने जा रहे हैं, जिससे एक प्लेटफॉर्म मिले खिलाड़ियों को और वो उस लेवल का, जैसा आईपीएल चल रहा है तो वहाँ से निकल के बाहर आए, एक अच्छे प्लेटफॉर्म के थ्रू प्लेयर को अच्छा टूर्नामेंट मिलता है तो डेफिनेटली उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, निकल के बाहर आते हैं, प्रतिभाएं निकल के बाहर आती हैं। प्रतियोगिता जीएलओ ग्राउंड पर खेली जाएगी। इस प्रतियोगिता में जीतने वाली टीम को क्या? प्रतियोगिता में जीतने वाली टीम को 51,000 रुपये ट्रॉफी व अन्य पुरस्कार दिए जाएंगे। मेरा नाम शराफत खान, कमिश्नर एपीएल। नीलामी में कोई ले सकता है? नीलामी के अंदर कोई भी आ सकता है, लेकिन उसको पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद ही वो नीलामी के अंदर भाग ले सकता है। जिस तरह अभी तक हमारे जो वेन्यू पार्टनर हैं वो होटल दाताहीन हैं, हमारे जो एक्टिविटी पार्टनर हैं वो स्टार ट्रैक नेशनल स्पोर्ट्स है, हमारे जो रेडियो पार्टनर हैं वो 92.7 रेडियो पार्टनर हैं, इस तरह से ये सब हमारे जो पार्टनर्स हैं जो हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, हमको इस प्रतियोगिता में सपोर्ट कर रहे हैं ये सब लोग। आपका नाम है?